गर्दन का दर्द यार मेरी जान लेके छोड़ेगा। क्या हुआ क्या? लेकिन गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ना अपने बॉडी से डबल काम करवा रहे हो। तुमसे मैनेज नहीं हो रहा है तो मत किया करो ना इतना काम। यार अजीबोगरीब रिश्तों के पेच में फंस के रह गया हूँ मैं। गर्दन अकड़ गई क्या तुम्हारी? हाँ। इधर आओ, चलो मैं मसाज कर देती हूँ, यू विल फील बेटर। बेबी एक काम कर, थोड़ा सा ऑयल ले लो। गिव मी डीप टिश्यू मसाज। मसाज पार्लर नहीं खोल के रखा है मैंने, नॉर्मल मसाज करूंगी, यू विल फील बेटर। ओके व्हाटएवर। चलो आओ हमें। Nice. I'm feeling good. Yeah. Great. I'm feeling nice. विभु, yeah? तुम्हारे खानदान की निशानी मिट रही है। मतलब? ये काली स्याही मेरे हाथों में आ गई है। इसका मतलब? इसका मतलब मेरे हस्बैंड को कोई बहुत जबरदस्त बेवकूफ बना रहा है। Really? अरे बेटा पुत्तन, अच्छा हुआ तेरा फोन आ गया, मजा आ गया बेटा, जिंदगी का मजा आ गया। याद है वो तेरा बड़ा भाई था ना जुत्तन, जो बचपन में ही वही। अरे मिल गया, उसे मैंने कहां नहीं ढूंढा। वो बोलते ना चिराग तले अंधेरा, जानता कहां मिला? अरे अंगूरी के घर के सामने। अपना लौंडा नहीं है वो? अरे विभूति, वही तो है तेरा बड़ा भाई जुत्तन। मजे की बात यह है, वो भी तेरी तरह फ्रॉड दिमाग का ही है। अब वो कहावत मशहूर हो जाएगी कि चोर चोर सगे भाई। चोर ओके। एक मिनट बेटा, आ गया। मेरा बेटा है ना पुत्तन, कानपुर जेल से बोल रहा है। बड़ी मुश्किल से मोबाइल अरेंज किया है। बात कर बेटा। काट दे। अंकल आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अंकल? तू अंकल बोल रहा है मुझे? मैं तेरा फादर साहब हूँ। आप मेरे फादर साहब नहीं है। आप यू आर जस्ट एन अंकल टू मी। आप सिर्फ अंकल है मेरे। क्या बात कर रहा है? अंकल कैसे हो गया? अरे तेरी गर्दन पे हमारा खानदानी निशान बना हुआ है। घुया निशान बना हुआ है। देखिए। कहाँ गया निशान? मिट गया। कैसे? अनु मेरे गर्दन की मालिश कर रही थी, मालिश करते करते उसने रियलाइज किया कि जो स्याही थी वो मिट गई। मतलब हमारे खानदान की स्याही इतनी कच्ची निकली? वो आपके खानदान की स्याही थी या बाजार की स्याही थी, लेकिन वो नकली थी। एंड आई एम नॉट योर सन। पर लेकिन बेटा मेरी बात सुन। देखिए, डोंट यू कॉल मी बेटा, आई एम नॉट योर सन, यू कॉल मी लौंडा। ओके? अरे क्या साले साहब, आप यार यहाँ है, घर चलिए ना, इतना काम पड़ा है। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मालिश करनी है। शट अप। मैं आपका साला नहीं हूँ, समझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं साले जी? दोबारा साला बोला ना तो उसे लार कर दूंगा, समझे? बदतमीजी पर उतर आए ये तो। बदतमीजी आप कर रहे हैं। पहली बात तो है कि मैं आपका साला नहीं हूँ, दूसरी बात ये कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, समझे आप? अच्छा ठीक है, मान लिया यार साले जी नहीं है आप, लेकिन आपको अभी कभी घर चलकर सारा काम करना पड़ेगा। जब मैं साला नहीं हूँ तो घर का काम क्यों करूंगा आपके? क्योंकि हमने आपकी एवज में किसी को पैसे दिए। और हमें इस बात की खबर ही नहीं। धिक्कार है चाचा जी आप पे, एंड मॉमी धिक्कार है आप पे। और धिक्कार? नो, डोंट यूज दैट वर्ड फॉर मी बेबू। मुझे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है ये। आई हैव नो आइडिया। नो, आई नो। मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी घटिया और गिरीवी सोच हो ही नहीं सकती। घटिया और छोटी सोच तो मेरी भी नहीं है गजेड़ू। ओ, फिर इनकी होगी, इनकी जो ऊपर खबर दिमाग की उपज होगी ये, आई एम श्योर। अरे कैसी बातें कर रहा है, मेरा कोई आइडिया नहीं था। ये आइडिया था उस कच्चा बनियान का। व्हाट? आओ बदली। हेलो भाभी जी। तो ये साजिश आपकी थी? नहीं, हमारा आइडिया नहीं था भाई। आपका आइडिया नहीं था, इनका आइडिया नहीं था, तो किसका आइडिया था?
जिसका आइडिया था उसकी माँ। हमारा आइडिया था, क्या कर लेगा बे? माँ को प्रणाम करूंगा आपके। और मैं ये पूछ रहा था आंटी जी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया, वाय? हाँ अम्मा जी, काहे आप ही कॉर्पोरेशन एजेंसी की रहे? भाभी जी वो कॉन्स्पिरेसी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आप, काहे साजिश में शामिल थी? देखो बहुरिया, तुमको ना हाल से थी है, और घर में काम करने के लिए एक नौकर चाहिए था, तो आपने मुझ में नौकर ढूंढ लिया। She found a servant in me. वो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला तो इसलिए। फिर हम बैल को एक आइडिया दिए कि चाचा जी से मिल करके एक सौदा कर लिया जाए। चाचा जी, आज बहुत दिनों के बाद आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। अबे ओए कच्चा बनियान, तू मुफ्त में सेवा नहीं करेगा, मैं जानता हूँ तेरी आदत, जरूर इसके बदले में तुझे कुछ मेवा चाहिए। नहीं नहीं, मेवा मेवा नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। आशिक हूँ कलियों का, भवरों का नहीं हूँ, लखनऊ से गुजरा हूँ, लखनऊ का नहीं हूँ। भाई हम भी कुछ उस टाइप के नहीं है, हम तो बस भाभी जी से, हमारा मतलब है कि भभूति जी की भाभी जी से मोहब्बत करते हैं। अच्छा ये बता तुझे मुझसे क्या चाहिए? चाचा जी आपको पता है ना कि पैक तो उठाइए। आपको पता है ना कि वो अंगूरी माँ बनने वाली है? हाँ ये तो अच्छी बात है भाई। नहीं अच्छी बात तो है, और तू बाप बनने वाला है। अजय बिल्कुल इसमें भी कोनो शक नहीं है, लेकिन दरअसल हमें आपसे कुछ चाहिए था। अबे घुमा फिर आगे क्यों बोल रहा है, लोग डाउट करेंगे यार। दरअसल चाचा जी आपके पास एक ऐसा सामान है जो आपके किसी काम का नहीं है, वो चाहिए था। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा सामान मेरे काम का नहीं है तो क्या तेरे काम का है? यार आपके पास है एक ऐसा सामान जो आपके लिए यूजलेस है। अबे कैसी बातें कर रहा है, मेरा सामान मेरे लिए यूजलेस कैसे हो सकता है? आप किस सामान की बात कर रहे हैं? अरे मेरी ये अटैची है, परफ्यूम है, मेरा और भी चीजें हैं, मेरी बनियान है, मेरे कपड़े हैं, ये यूजलेस कैसे हो सकते हैं भाई? मैं रोजाना यूज करता हूँ इन्हें। अरे यार आप उस सामान की बात कर रहे हैं, तो तू किस सामान की बात कर रहा था? हम भभूति जी की बात कर रहे थे। एक बात बता, खचेड़ू मेरा भतीजा है, वो मेरे लिए यूजलेस कैसे हो सकता है? अरे तो ऐसे कौन से तीरथ करवा दिए उनसे, कौन से तगमे ला दिए, क्या कर लिया उन्होंने आपके लिए बताइए? अरे चल ठीक है, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये बता मेरा भतीजा मेरे लिए यूजलेस क्यों होगा? आपने वो वकील को कुछ 50,000 रुपए देने थे ना? हाँ यार 50,000 देने उसकी फीस। दे दिए क्या? कहाँ से दे दूंगा भाई, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अगर हम आपको 50,000 रुपए दे दें तो फिर आप हमारे काम आएंगे? नहीं मतलब देखिए क्या है कि साफ साफ बात यह है कि भभूति जी जो है वो नल्ले हैं और नल्ले ही रहेंगे। नहीं नहीं वो तो है, तो नल्ला तो है। तो अगर हम भभूति जी को आपसे 50,000 रुपए खरीद ले तो? What? नहीं अरे यार सुन लीजिएगा, उसके बाद चौंकिएगा। क्या है चचा जी कि घर का काम करने के लिए कोनो मिल नहीं रहा है और भभूति जी नल्ले बैठे हैं। अबे लेकिन वो अपने घर का काम करता तो है। अरे तो यहाँ का काम भी कर ले, क्या फर्क पड़ जाएगा? और करना कब तक है? जब तक लल्ला 3 साल का नहीं हो जाता तब तक नल्ला काम करे, उसके बाद भली जोड़ दे। लेकिन तू एक बात बता, खचेड़ू तेरे घर में काम करने के लिए राजी हो जाएगा? उसके लिए एक और प्लान है हमारे पास। बदतमीज, लद्दड़ की कमीज, घेसुए का पजामा, बंदर तेरा मामा। अरे खबरदार संदी जी, अगर हमरे बैल को कछु भी उल्टा सीधा कहा तो आपने? हाँ अच्छा, और ये जो मेरे मेरे जज्बात के साथ खो खो खेल रहा है उसका क्या, उसका क्या?
अरे मैं ये समझा था कि मुझे मेरा खोया हुआ बेटा जितन मिल गया। Dare you touch me? मैं आपका बेटा नहीं समझे ना, मैं आपका लौंडा हूँ, लौंडा। ओके ओके, आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है ये मेरे समझ के बहुत बाहर की बात है, लेकिन आप लोगों ने विभू का इस्तेमाल क्यों किया? हाँ अनिता जी ठीक बोल रहे हैं आप लोग, अभरभूति जी का काहे इस्तेमाल किए रहे? लौंडा बिकाऊ था सो खरीद लिया। लवली, तो इसका मतलब आपने चाचा जी और मम्मी जी से खरीदा, राइट? जी जी जी। कितने में? कैन आई नो? 50,000। Wow, just 50,000 idea. इतने सस्ते में? देखिएगा। हाँ तो हम तो 1-2 हजार ज्यादा ही देते। अरे तुम सस्ते की बात कर रही हो पगली, हमने तो बड़े बुजुर्गों का मुंह देकर ज्यादा दे दिए, नहीं तो इनकी कीमत तो 5,000 है। कैसी बातें कर रहा है तू? इस लौंडे के 5,000 रूपए? अरे सांड किसी ताकत वाला ये नौजवान सिर्फ 5,000 रूपए में जो वजन 4 घोड़े ना खींच सके अकेला खींच ले जाए? जंजीरों में बांध दीजिए, एक घड़ी में तोड़कर बाहर निकल आए। चीते किसी कमर, शेर जैसा सीना, गाल एकदम सख्त भिजे हुए, बाहें जैसे फौलाद में ठले हुए सांचे, हर कोई इसमें कसने को तैयार हो जाए। अमेरिका में ऐसे लौंडे लाखों में बिकते हैं। अरे चुप कर डेविड, तूने तो मेरे लौंडे को बेचने के लिए सीधा बाजार में ही लाकर खड़ा कर दिया। मम्मी मम्मी प्लीज, आप भी इसमें बराबर की शरीक है। अरे नहीं खचेड़ू, डेविड को ना वकील का फोन आया था कि 50,000 रूपए एकदम चाहिए। अब उसने कहा कि ये अगली हेयरिंग नहीं होगी तो बस इसीलिए क्योंकि मेरे पास देखो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए भाई 50,000 तो चाहिए ही थे ना उसे देने के लिए। हाँ तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि हमने सोचा कि अभी जो है ठीक है बेच देते हैं, बाद में जब 20 करोड़ मिलेंगे तो वापस खरीद लेंगे। और वो दाई का नाटक? ओया वो प्लान किया था एक्चुअली ना, तू ना मेरा बेटा नहीं मतलब हेलन का और मेरे बड़े भाई आहुति नारायण का बेटा है। वाह 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 डेविड साहब वाह, आप तो कमाल के सौदागर निकले, आपने अपने भतीजे को ही बेच दिया। और रिश्ता हो आपके पास बेचने के लिए तो बताइएगा, अच्छी कीमत मिल जाएगी। क्या फरमा रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, कोई और रिश्ता हो घर में बेचने के लिए तो बताइएगा, हम तैयार हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये बात कहते हुए आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या वो बिकाऊ रिश्ता आप मुझ में ढूंढ रहे हैं? मम्मी मतलब कि अरे भाभी जी, तिवारी भैया देखिए आप लोग यहाँ हैं और मैं आपको आपके घर ढूंढने गया था। अरे वाह सारे लोग यहाँ जमा हैं, अच्छा है। डॉक्टर साहब हमारा रिपोर्ट आ गया का? सब आ गया भाभी जी। हाँ तो बताइए ना का है, जल्दी से बताइए। क्या बताऊं भाभी जी, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे तबीयत ई का खराब है, अजीब तुमको लग रहा है, बताएगा डॉक्टर? एक्चुअली अम्मा जी अंगूरी भाभी के कोई पैर भारी नहीं है। What? That you mean she? का कह रहा है इसका मतलब बहुरिया माँ नहीं बनने वाली है? नहीं नहीं अम्मा जी, वो जो भाभी जी का जी बतला रहा था, उल्टियाँ हो रही थी ना, वो गैस होने की वजह से हुआ था। Oh my God! तो इसका मतलब ये हुआ कि भाभी जी का फिगर खराब नहीं होगा। Oh God, I'm so lucky. डॉक्टर कभी तो मनहूस खबर मत सुनाया कर, हैं? चलो बहुरिया। अच्छा लिया हुआ जी। आई थी यार। मूली का पराठा बिकॉज दे गिव यू एसिडिटी एज वेल एज गैस। डेविड साहब, आज शाम को शीला बार में दो दो बने? अरे शाम किसने देखी है,
अभी बने। मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। अच्छा भाभी जी, अच्छा कचेड़ू मैं भी चलती हूँ। रुकिए मम्मी जी, कहाँ चल रही है आप? बेटा भी आपका है, घर भी आपका है। My mommy. All right, can I have some coffee, please? अरे मैं बना के लाती हूँ, कचौड़ी तू बैठ। वो मैं बना के लाती हूँ तेरे लिए कॉफी है। Lovely, mommy. She is my real mommy. जालिमो यार, जा चाचा को ना हम सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे थे यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, चाचा तो कमबख्त ऐसी मुर्गी है जो हमारा सब कुछ निकल चुकी है। सोने का अंडा तो दूर की बात, नॉर्मल अंडा देने को भी तैयार ना यार। मैं तो कहता हूँ लौंडो, मुर्गी को ही काट के खा लेते हैं ससुर। मैं सारे धी के लट, चाचा का खून करेगा का? यार मैं ये बात ना कह रहा हूँ। तो फिर कौन सी बात कह रही है तू? देख हाँ, हम चाचा जी से सीधे सीधे कह देंगे कि चाचा जी आप पूरी ना सही, अपनी आधी जायदाद हमारे नाम कर दो। भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, चाचा जी तुम आधी ना सही, आधी की आधी हमारे नाम कर दो। लो लंडो, ज्यादा चापलूसी छाड़ने की जरूरत नहीं है, और मेरी दौलत के लायक नहीं हो तुम लंडो, समझे? वो तुम खर्च ही नहीं कर सकते। चाचा जी ऐसी बात ना है, हम आपके 20 करोड़ 20 दिन में खर्च कर देंगे। दिमाग खराब है तेरा, जो दौलत मैंने 50 साल में कमाई है तू 20 दिन में खर्च कर देगा? इडियट। ऐसा है लंडो, सुनो, मैं अपनी दौलत में से तुम्हें एक सिक्का नहीं दूंगा। चाचा, मैं क्या कह रही हूँ, टीका की बात को सीरियस ना लो, ये तो बावला है, कुछ भी बकता है। आप एक काम करो। क्या करूँ चाचा? वो ना, हम सब पर कर्जे बहुत हो गए, आप 10 करोड़ दे दो। अच्छा हाँ चाचा, मेरे गुर्दे क्या सहला लिए तुम लोगों ने, मतलब मैं तुम्हारे कर्जे चुकाऊंगा। चाचा जी ऐसा ना करो चाचा जी, 10 ना सही, 5 ही दे दो। 5 चाहिए? हाँ चाचा जी 5 ही दे दियो। क्या कहते हो लोंडो? मैं तो कहता हूँ 5 ना सही, 1 ही दे दो। 1 देना है? हाँ दे दो। वो तो मैं अभी दे सकता हूँ। चाचा वो क्या है कि इस टाइम ना पैसों की बहुत जरूरत है, वो बोतनी का प्रेम चौधरी पिस्तौल लेके कभी भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ कि 1 को देना है या 3 को देना है? चाचा जी 3 को ना बराबर बराबर चाहिए। ये तो है, दोस्ती वही पक्की है तुम्हारा। बंदी यार मुझे बड़े प्यारे लगते हो। हाँ समझ नहीं आता बेटा कौन कितना मतलब प्यारा है। लाइन आ जा, लाइन दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। भगवान, अरे निकाला निकाला, निकालो निकालो, कैश दे रहे हैं। अरे मोरी भैया, अरे नहीं, अबे हो कमीना, सालों बहुत चैन की नींद सो ली है, अब जल्दी से मुझे मेरा कर्जा लौटा दो। हाँ वरना सालों तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। हाँ
बुलाना। अंगूरी भाभी और तिवारी। अरे यार तिवारी सेठ, कहाँ दुपक्के बैठे हो ऐसे माहौल में, बाहर निकल के आओ। तिवारी भैया जल्दी आ जाओ। भैया क्या बात है, आप लोगों ने तो रिप्रोडक्शन का पूरा तैयारी करके रखा है। भाभी जी आप सेलिब्रेशन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं भाई, आप सभी को बेरी और अंगूरी की तरफ से लोहरी पर्व और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को भी हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति।